नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करने से हमें रचनात्मकता के आशीर्वाद मिलते हैं। रचनात्मकता हमेशा भावात्मकता से जुड़ी हुई है। हमारे जो सात शरीर हैं, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, भाव शरीर, मन शरीर, सूक्ष्म शरीर, चैतन्य शरीर और निर्वाण शरीर, उसमें गर्भावस्था के चौथे महीने के दौरान भाव शरीर का निर्माण होता है और भावात्मकता का जुड़ाव होता है संवाद से। जी हाँ, अगर माँ बाप गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ, गर्भस्थ शिशु के साथ जब संवाद करते हैं, तब उसके साथ उसकी इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है और इसी को कहा जाता है गर्भ संवाद, बेबी टॉक। हर एक माँ बाप को दिन में मिनिमम दो बार बच्चे के साथ गर्भ संवाद करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद भी उसके इमोशनल सेंटर में हमेशा माँ बाप रहते हैं और हमेशा वो इमोशनली अपने माता पिता से कनेक्टेड रहता है।